ग्रीटिंग्स टू ऑल इन डॉक्टर आवा केमिस्ट्री पाठशाला। केमिस्ट्री पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको हम बता दें कि हमारी एल्कीन्स और एल्काइन्स की पूरी सीरीज़ हो चुकी है। यूनिट 12 भी ख़त्म हो गया और यूनिट 13 भी ख़त्म हो गया है। यूनिट 13 में कुछ ऐसे रूल्स और लॉज और मैकेनिज्म्स हैं जो मैंने कहा था मैं आपको अलग से एक वीडियो में लूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी। मैंने पढ़ा था कि जब डबल बॉन्ड होता है तो उसके अक्रॉस एडिशन होता है। एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल भी आता है और न्यूक्लियोफाइल भी आता है, लेकिन फिर भी हम एडिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है। सो जब भी हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता था और हमारा रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होता था तो हमें एक रूल लगाना पड़ता था जिसे हम कहते थे मार्कोनिकोफ रूल, जिसमें आपको ये पता चलता था कि जो रिएजेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन के ऊपर लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो इस एडिशन के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता है एडिशन एक बहुत ही वायबल और बहुत ही थर्मोडाइनमिकली फिजिबल रिएक्शन है। एक कमज़ोर बॉन्ड टूटता है पाई और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसके लिए हमें कंडीशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वेयर एज अब हम बात करते हैं अगेंस्ट मार्कोनिकोफ, दैट इज एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ऑल्सो नोन एज परऑक्साइड रूल, ऑल्सो नोन एज खरा। अब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एंड अटैकिंग रिएजेंट इज ओनली HBr, सो Br विल अटैक ऑन द कार्बन विच इज गॉट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये है आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल। सो अच्छा, ये कब लगेगा, जब एल्कीन्स क्या होंगे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं ये HCl के साथ रूल लगता। सो थोड़ी सी कैलकुलेशंस मुझे आपको दिखानी पड़ेंगी और थोड़े एग्जांपल्स और कर लेते हैं, और टीचर को तब तक मज़ा नहीं आता जब तक उसके हाथ में पेन ना हो। तो थोड़ी देर के लिए पेन पकड़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। सो आपने लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन और आपने क्या डाला इसमें HBr। एरो पे कोई भी कंडीशन नहीं है, इसने एक एडिशन रिएक्शन दिखाया and this addition, this becomes CH3 and this becomes Br. So आपको मिला 2-bromo-propane. This is an example of a Markovnikov rule. Now let us try anti-Markovnikov rule. In anti-Markovnikov rule, this is propene, this is HBr, on arrow you will have peroxide. On arrow you will have peroxide, small amount of heat, anti-Markovnikov rule, and you will get bromopropane. You will get bromopropane, that is Br, the more electronegative part of the addendum will get added to the carbon having more hydrogen. Let us do the mechanism of anti-Markovnikov. Free radical mechanism, it's in presence of free radical. To name few, benzoyl peroxide. See, if you remember H2O2 ko kaise aap likhte the, ये आपका H2O2 है ना, राइट तो ये जो है आपका, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज। सो इन्वॉल्विंग दिस यू कैन राइट एनी फॉर्मूला, राइट। सो आई राइट दिस इज C6H5CO, दिस इज बेंजोइल, एंड वन मोर C6H5CO आई विल राइट CO C6H5। सो दिस इज बेंजोइल एंड फॉर परऑक्साइड आई विल ऐड एक्स्ट्रा परऑक्साइड लिंकेज। सो दिस इज बिकम्स बेंजोइल peroxide. Free radical has initiation, propagation and termination. So let us use the first step. Initiation. इसमें क्या होता है, आपका homolytic fission होता है, तो आपने benzoyl peroxide लिया C6H5CO, then peroxide linkage again CO C6H5, और इसने क्या किया, under effect of heat we will have homolytic fission, right? So this is the point, these are fish arrow, both the electrons get divided and we get C6H5COO,
and two of such species. Now if you see electron, it becomes a part of this bond, and this bond is made up of two electrons, out of which one electron is transferred here and another electron is transferred here. These fish arrows means they are all doing single electrons transfer. So always, you know, free radical formation is shown by fish arrows. So I'll just put that link in the description, जहाँ पर मैंने आपको free radical के formation का, homolytic, heterolytic fission का आपको exam explain किया. Under effect of heat, what we will get is, we will get phenyl, and here it is going to be double bond O, and again it this becomes double bond, so we get CO2 gas, right? And next step, what happens is this phenyl free radical ये HBr से react करता है. HBr क्या है बेटा? Attacking reagent है. HBr से react करता है. और this electron goes to more electronegative Br, right? और ये कहाँ आ जाता है? ये यहाँ पर आ जाता है H के पास. So आपको मिल जाता है C6H6. You get C6H6 plus Br minus dot. So Br free radical आपको first step में मिला, जो कि initiation है. अब ये Br free radical कहाँ जाएगा? Second step में हम करते हैं propagation. Second step is propagation. अच्छा, इसमें क्या होगा? Propagate. Propagate means to expand, बड़ा होना. अच्छा, इसमें दो steps होंगे. This will have two steps. जिसमें से पहला जो step होगा Br dot. Now, अब आप देखिए, दो possibilities हैं, ठीक है? See, इसमें अब there are two possibilities. What are the two possibilities? One is Br gets added to the central one. That is, you get CH3 CHBr CH2 free radical. This is one possibility, and the other possibility is Br किधर जाएगा? Multiple bond के right side पे जाता है, तो CH3 CH CH2 Br and free radical at the center. Now one or two को आप compare करो, यहाँ पर आपको मिलता है 1 degree free radical, primary free radical, ठीक है? And यहाँ पर आपको मिलता है secondary free radical, और आपको free radical की stability का order पता है. ऑर्डर क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. तो आपको रिएक्शन कौन सा? सेकंड वाला रिएक्शन इज द करेक्ट रिएक्शन. तो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट? दैट इज, जो फ्री रेडिकल होगा वो 2 डिग्री होगा, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू गेट इज प्लस HBr. ये HBr से फिर से रिएक्ट करता है, ठीक है? और यहाँ पर आपका Br फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये जो फ्री रेडिकल है ये आके इस वाले फ्री रेडिकल से जो बनेगा H से रिएक्ट करेगा, तो आपका मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br एंड फ्री रेडिकल. सी, वन थिंग यू मस्ट नो, फ्री रेडिकल कैन नेवर गेट डिसिपेटेड, कैन नेवर गेट, फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए फ्री रेडिकल ही चाहिए, राइट? सो अब क्या करना है? बी आर फ्री रेडिकल हैज़ टू बी टर्मिनेटेड, हैज़ टू बी, यू नो, इट हैज़ टू बी कंज्यूम. तो आप थर्ड स्टेप में आएंगे, टर्मिनेशन. अब आपने क्या किया इसमें? देर आर डिफरेंट वेज. या तो बी आर डॉट क्या करेगा? अपने आप से ही किसी और Br dot से मिलके आपको Br2 दे देगा. दिस वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, जो आपका सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल बना है, इफ़ यू सी, यहाँ पर आपको ये फ्री रेडिकल बना हुआ है, लेट मी शो यू दिस वन, राइट? ये जो फ्री रेडिकल बना है इसके साथ, राइट, इसके साथ Br dot रिएक्ट कर जाएगा to give you
CH3CHBr CH2Br. So 1,2-dibromo propane can also be formed. There are many other possibilities. This can get react with itself. So CH3CH CH2Br can get reacted with itself. Whatever is the product, just join them. So what you get is CH3 CH CH CH3 CH2Br CH2Br. So these are the various possibilities which you get in Markovnikov, right? Now the main question is, how about if we react HCl or HI under the same conditions? So you will not get Markovnikov, anti-Markovnikov rule, not applicable. It is only applicable on HBr. Aisa kyun hai? Why it is only applicable for HBr? So the exceptional behavior of HBr is because of iske chota sa reason hai. Dekhiye, agar aap sare cases le lo, aapne le liya fluorine ka case, le liya chlorine ka, le liya bromine ka, le liya aur iodine. Halogens mein yahi sare hain, theek hai? To yahan par free radical kahan kahan involved hote hain? To aapke jo energy ka चेंज है, एनर्जी चेंज है, जो कि किलो जूल पर मोल में अगर हम लें, तो दो स्टेप्स हैं आपके. एक तो स्टेप वो है जिसमें आपका फ्री रेडिकल दैट इज़ एक्स डॉट किससे रिएक्ट करता है, प्रोपीन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पर आपको मिलता है CH3 CH CH2 Br. इफ़ यू रिमेंबर दिस स्टेप, हमारा 2° कार्बोकेटायन आया, ये स्टेप है. तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन Br से C के बीच में हो रहा है. तो जितना ज़्यादा छोटा होगा है ना, उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी. तो C और F के बीच का जो बॉन्ड होगा, C और F के बीच का बॉन्ड सबसे स्टेबल होगा, देन CCl. C और F के बीच का सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, देन CCl, देन CBr एंड देन CI, ठीक है. सो अगर आप एनर्जी देखिए तो ये मैक्सिमम है, ये करीब आती है 209 किलो जूल, और ये आती है -101, दिस इज़ -42 किलो जूल, एंड दिस इज़ 12, ठीक है. दे सो बेसिकली क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका छोटा है, तो ये कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा. ओके, एक और स्टेप है, एक स्टेप है जहाँ पर आपका फिर से ये फ्री रेडिकल, जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पर आपका फ्री रेडिकल जो है CH3 CH CH2 Br, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है जब वो HBr से रिएक्ट करता है, राइट. सो हम यहाँ पर HX लिखते हैं बिकॉज वी डोंट नो, लेट्स राइट X एंड X. नाउ हियर यू हैव टू ब्रेक, यहाँ पर इसको ब्रेक होना है, टूटना है, राइट. तो जितना ज़्यादा एक्स बड़ा होगा उतना टूटना आसान होगा. तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी आई में, क्योंकि वो सबसे बड़ा है. तो इसका -104 होगा, देन Br का -37 किलो जूल होगा, Cl में 27 होगा, और F में 159 होगा. तो इफ़ यू सी नेट एनर्जी अगर आप देखें तो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. सो अगर आप नेट देखें, बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक. सो गाइज, इफ यू सी इन केस ऑफ Br, बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, राइट. सो दैट इज वाई द रिएक्शन होल्ड्स गुड ओनली फॉर HBr एंड नॉट फॉर एनी अदर हैलाइड्स, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर. एंटी मार्कोनिकोफ रूल, इट इज एन अ काइंड ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इन विच अ 2° फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इज फेवर्ड. 2° को फेवर करते हैं, और
ओनली एच बी आर और परोक्साइड के साथ होता है और नीदर विद एच एफ नॉर विद एच आई और एच सी एल. दैट वॉज ऑल. सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल. तो मुझे लगता है मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल आपको क्लियर हो गए होंगे. सी इसके बिना आपका ट्वेल्थ का जो एलिफैटिक ओपन चेन का जो केमिस्ट्री है बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो डबल बॉन्ड का एडिशन का मार्कोनिक ऑफ रूल हर जगह यूज़ होगा आपका, है ना. तो एक बार आप फिर से. सो इट्स एन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल मार्कोनिक ऑफ एज वेल एज एंटी मार्कोनिक ऑफ. सो आप से रिक्वेस्ट है खूब सारे एग्जाम्पल करिए. जल्दी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. गॉड ब्लेस.